प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल 2019 की, कि कर्क राशि वालों के लिए 2019 क्या नई सौगातें लेकर आ रहा है और इनका ये नया साल कैसा बीतने वाला है। इनका प्यार, धन, पारिवारिक जीवन, कैरियर, शिक्षा, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। नौकरी पैसा जातकों को इस साल प्रमोशन की सौगात मिल सकती है, साथ ही नौकरी और व्यवसाय दोनों में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस साल आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं या आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष भी बेहद मजबूत रहने वाला है, क्योंकि धन लाभ के कई योग बन रहे हैं। आय बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही साथ में आ रही जितनी भी दिक्कत हैं, परेशानियां हैं, अड़चने हैं, वो सारे की सारी दूर होंगी। सारे के सारे जो कष्ट हैं आपके, जो अभी तक आपको अटक रहे थे आप किसी काम में, तो सारे अब दूर होंगे। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कर्क राशि वालों के शिक्षा और करियर की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह साल करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। इस बात की प्रबल संभावना है कि उस वर्ष आपको अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा, इसलिए अपनी कोशिशें जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। फरवरी से मार्च और नवंबर से दिसंबर की समय अवधि आपके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना है। इस अवधि में आपको नौकरी या व्यवसाय में शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पैसा जातकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि, व्यवसायिक जातकों को धन लाभ होने की संभावना है। वहीं जॉब कर रहे जातक या नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर के आखिरी में नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा वे लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी यह साल उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। मार्च के बाद वे लोग अपना बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, साथ ही साथ में शांतिपूर्ण तरीके से आपके जो कार्य हैं वो करियर को लेकर बनेंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच का समय कैरियर के लिहाज से थोड़ा संभल कर चलने का होगा। इस अवधि में बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी गलत कदम उठाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ में अपने आप को संभालने की थोड़ी ज़रूरत रहेगी, अन्यथा आप दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं। कैरियर को लेकर किसी भी प्रकार का मतलब आप जल्दबाजी ना करें। इस दौरान नौकरी से इस्तीफा भी दे सकते हैं, दूसरी नौकरी का इंतज़ार भी आपको करना पड़ सकता है। वहीं बिजनेस कर रहे लोग बिना सोच विचार किए भी आपसे निवेश करने से बचेंगे, इसलिए आप थोड़ा कैरियर को लेकर चिंतित रहें, ध्यान रहे। शिक्षा को लेकर थोड़ा ध्यान में रखकर ही आप कार्य करें, अन्यथा आप लॉस में जा सकते हैं। परेशानियों का सामना आपको 2019 में करना पड़ सकता है। अपने नौकरी को, कार्य को बचाए रखने के लिए अपनी बॉस वगैरह की जो बातें हैं, कंपनी के जो रूल वगैरह हैं, उन्हें ध्यान से फॉलो करें, अन्यथा आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, काफ़ी जो परेशानियाँ हैं वो आपको मिल सकती हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही अपने कैरियर के प्रति आप चिंतित रहें, अन्यथा दिक्कत जो है, परेशानियाँ जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। आगे बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैरियर को लेकर आप में ये भी हो सकती है कि आपसी मतलब एक बॉस के साथ में या फिर कंपनी के साथ में एक अनबन के कारण भी आपकी नौकरी जो है वो जा सकती है। इसलिए अपने आप नौकरी को बचाने के लिए, इस्तीफे को बचाने के लिए सोच समझ कर विचार करें। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न बिल्कुल भी कर्क राशि के जातक नहीं होने दें। चलिए अगले बारे में जानते हैं, अगली चीज़ के बारे में। तो आर्थिक स्थिति इनकी 2019 में कैसी रहेगी उसकी चर्चा करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह साल आर्थिक मामलों में बेहद शानदार रहने वाला है। विशेषकर मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अच्छे योग बन रहे हैं। इस अवधि में आपको कई माध्यमों से आमदनी और धन लाभ होगा। धन वृद्धि और आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा और वे आपसे आर्थिक सलाह लेंगे। हालांकि इनके सबके बीच फरवरी से मार्च के जुड़े मामलों पर सोच समझ कर आप कदम उठाएं, अन्यथा दिक्कत परेशानी में आप आ सकते हैं। यदि आप पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं तो इस वर्ष इसमें विस्तार होगा और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। साल के मध्य में खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि खर्च बढ़ने के साथ साथ आय भी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान धन की हानि की संभावना बन रही है, इसलिए निवेश संबंधी योजना में थोड़ी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत होगी। इस अवधि में शेयर बाज़ार में पैसे लगाने को लेकर
लापरवाही बिल्कुल ना बरते। हालांकि कुछ समय के बाद परिस्थितियां फिर से आपके अनुकूल हो जाएंगी। कुल मिलाकर साल 2019 में कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा साबित होने वाला है। इस साल आप अधिक से अधिक धन अर्जित करेंगे, नौकरी व्यवसाय में आपकी तरक्की मिलेगी, आर्थिक संपन्नता आने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ में सारी दिक्कत परेशानियां, जितने भी आर्थिक जो संकट चल रहा था आपका 2018 में, ये मानो 2019 में वह सारा संकट समाप्त हो जाएगा। आर्थिक मामलों में जुड़े मसलों पर बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं, अन्यथा दिक्कत परेशानी में आप आ सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही कार्य करें। चले मित्रों, अब इनके बारे में जानते हैं, इनका मतलब जो पारिवारिक जीवन है और इनका स्वास्थ्य है, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। इस साल पारिवारिक पहले पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इस साल पारिवारिक जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। इस वर्ष आपके पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा। आपके माताजी की कृपा और आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आएगी। इस अवधि में आपके माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। साल की शुरुआत आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी होगी। इस दौरान कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वहीं फरवरी और मार्च के महीने के दौरान माता पिता की सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। इस साल जनवरी फरवरी में आप थोड़ा संभल कर चलें। नए मकान भी खरीद सकते हैं, नए वाहन भी खरीद सकते हैं जनवरी फरवरी में। मतलब बात नहीं बनी तो अक्टूबर नवंबर में आपके जो कार्य हैं वो होंगे। इस साल किसी बात को लेकर परिवार के लोगों में विवाद हो सकता है, शुरुआती बहस हो सकती है। भाई बहन का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आर्थिक मदद करने को भी वो तैयार रहेंगे। साल के अंत में पिता और भाई को आर्थिक लाभ हो सकता है। इस वर्ष मौके भी आएंगे जब आप अधिकता की वजह से अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। अक्टूबर से नवंबर के बीच घर पर किसी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, बच्चे का जन्म, मुंडन आदि भी संपन्न हो सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा ध्यान रखें। कार्य पड़ेंगे तो उसके लिए खर्च की जरूरत होगी। बाकी सब पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगला मैंने एक स्वास्थ्य बताया था, इसी में तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम और थोड़ा गर्म रहने वाला है 19 में। इस अवधि में आप थोड़े तनावग्रस्त रह सकते हैं। काम या किसी अन्य बात की चिंता से तनाव अधिक रह सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि ज़्यादा ना सोचें, अपनी रफ्तार से काम करते रहें। कार्यस्थल और घर में होने वाले विवादों को ज़्यादा तूल ना दें, वरना इससे मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इस वर्ष किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से आप अधिक थकान महसूस करेंगे। यह विदेश यात्रा भी हो सकती है, इसलिए इस दौरान आरामदायक कपड़े पहने और हल्का आहार लें ताकि सफर में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जुलाई से सितंबर के बीच सिरदर्द, बुखार, मौसमी बीमारियां आदि भी हो सकती हैं। इसके अलावा अनिद्रा की शिकायत भी रह सकती है। इनके विकारों से बचने संतुलित भोजन और संयमित दिनचर्या अपनाएं, क्योंकि यह बीमारी आपको परेशान कर सकती है। नियमित सेव से जोड़ों की मालिश करते रहें। पेट संबंधी विकार से बचने के लिए आप संतुलित भोजन करें, व्यायाम करें, योगा करें। सब कुछ मंगल ही होगा, सब कुछ ठीक ही होगा, सब कुछ आपके अनुरूप ही होगा। चलिए, इनकी शिक्षा कैसे रहने वाली है 19 में उसकी बात करते हैं। यह साल छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, खासकर से वे छात्र जो कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने प्रयासों में कामयाबी मिलेगी। इस वर्ष आप अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे और कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्यों को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगस्त से सितंबर का महीना छात्रों के लिए शानदार साबित होगा। इस अवधि में आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वे जातक जो सिविल सेवा में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और अच्छे परिणामों के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। वे छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस साल विश्व की किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। इस साल आप स्किल एजुकेशन की दिशा में कोई सार्थक प्रयास कर सकते हैं। एमबीए की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को साल के कुछ परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जून जुलाई के बीच पढ़ाई लिखाई से आपका ध्यान भटक सकता है। इस समय की पढ़ाई के बजाय ठीक नहीं चलेगा, परंतु स्टडी पर फोकस करें, धीरे धीरे सब ठीक होगा। और 2019 में छात्रों के लिए सितारों की चाल ये कहती है कि नया सौगात या नई खुशी वो पढ़ाई को लेकर आएंगे, और जितने भी तनाव हैं वो उनके दूर होंगे, मूड उनका फ्रेश रहेगा। शिक्षा ये मानो उनकी बहुत ही अच्छी 2019 में रहने वाली है। जितने सपने छात्रों ने सजोए हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या किसी और मतलब एग्ज़ाम के लिए,
जितनी मेहनत की है, तो आप ये मानो 2019 में जितने भी, कहने का मतलब आपने कोशिश की है अपनी नौकरी वगैरह के लिए, काम के लिए कहीं पर भी, तो आप ये मानो 2019 में वो सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, साथ ही साथ में आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, हर एक चीज़ में ये मानो शिक्षा आपके साथ रहेगी, और हर एक तरीके से आपको पूरा जो सहयोग है वो 2019 में होगा, और सारे बिगड़े काम आपके 2019 में बनेंगे। चलिए मित्रों, अगले अंतिम बात कर लेते हैं, 2019 में प्यार, शादी और वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों का। तो इनका सबसे पहले विवाह और संतान जानते हैं। यह साल कर्क राशि वालों के लिए जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मार्च के महीने में घर घर में कुछ विवाद हो सकते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। इस साल किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें और अपने जीवन साथी के साथ सभी मामले बातचीत से सुलझाएं। अपने जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें, उनकी पूरी तरह से मदद करें। इस साल जीवन साथी की सेहत में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए उन्हें स्वस्थ का ख्याल रखें। वह दंपति जो अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, इस साल यह सौगात मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जातक प्रणय सूत्र में बंध सकते हैं। यदि अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो वह पहले भावी जीवन साथी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर लें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने परिजनों से शेयर करें। माता पिता आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस साल आपकी लव मैरिज की संभावना भी बन रही है। इस साल बच्चों की सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा इनका प्रेम जीवन नॉर्मल रहेगा, बाकी प्रेम जीवन में भी यादगार पल साबित होंगे। धीरे धीरे सब ठीक होगा और प्रेम जीवन में भी समय आपके अनुकूल रहेगा और दिक्कतें परेशानियां दूर होंगी। लव मैरिज के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर से एक नए वीडियो में ऐसे ही आपसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ हो।